हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत के रहता एक और नए दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी मेरे प्रियजनों। आज बहुत सारे लोग पापों में, गुनाहों में, व्यभिचार में जूझ रहे हैं, जकड़े हुए हैं। वे इस तरह पाप करते हैं, गुनाह करते हैं मानो, और वे ऐसे हो जाते हैं एक सीधा साधा भोला मसीह कि उसको कुछ भी मालूम ना हो, कुछ भी ना पता हो। एक मसीह ऐसा हो जाता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, सुधर जाओ वरना बहुत महंगा पड़ेगा। यदि आप गलती से भी यहाँ रह गए, छूट गए, आपको रोना भी नहीं आएगा। रोना में हर वीडियो में यही बताते चला आ रहा हूँ, चिल्ला के मैं यही हर वीडियो में बता रहा हूँ। पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, सेक्स वीडियो मत देखो, मगर उस मसीह के समझ में नहीं आता। याद रखना, परमेश्वर कोई बाबा नहीं है, कोई खेल या मजाक नहीं है। यदि आप गलती से भी यहाँ रह गए, छूट गए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, रोना भी नहीं आएगा। रोना, खून के आंसू आपको रोने पड़ जाएंगे उस 7 साल में। खून के आंसू आपको रोने पड़ जाएंगे 7 साल में। मसीह विरोधी के दिन में आपको रोना भी नहीं आएगा। रोना, रॉन्ग टीचिंग। वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी का सवाल है। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 12:36 में, जो मनुष्य गंदी बातें निकालता है, निकम्मी बातें निकालता है, टेढ़ी बातें निकालता है। यदि आपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से गंदी बातें, टेढ़ी बातें, नंगी घिनौनी बातें करते हो, तो याद रखना, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करने के लिए स्वर्ग में बैठा है। परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। आप सोचते हो मैं पाप भी करूंगा, मैं व्यभिचार भी करूंगा, मैं गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगा, सेक्स वीडियो भी देखूंगा और परमेश्वर मुझे स्वर्ग लेकर चला जाएगा, तो नो, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। जो तुम ये काम करो, ऐसा काम करो और परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग भी दे देगा। तुम किसी प्रधानमंत्री को हल्के में ले सकते हो, मगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना इसका परिणाम, इसका अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हो। वो बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। यदि आप उसके हाथ में पड़ गए तो आपको रोना भी नहीं आएगा। रोना, बहुत से लोग सेक्स वीडियो देखते हैं। याद रखना, जिस प्रकार से आप अपने फोन पर गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हो, परमेश्वर उसी प्रकार से आपको नंगा करेगा। आग में नंगा ही डालेगा। कब तक आप करते रहोगे? कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड बनाते रहोगे? कब तक बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुधर जाओ। अभी समय है, अभी वक्त है। वरना जिस शरीर में आप व्यभिचार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो यही शरीर पहना के परमेश्वर जिंदा जलाएगा, जिंदा उस धरती की आग में। बाइबल साफ साफ कहती है, यीशु ने साफ साफ कहा, आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जरा सोच के देखो, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। सुधर जाओ, बचा लो। क्यों पाप करके ना सुनना चाहते हो? भैया, वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा यार, क्यों नहीं समझाता? वह हमेशा के लिए, युगान युग के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर न्याय करके, नंगा करके परमेश्वर नर्क में फेंक देगा। स्वर्गदूत खींच तान के उसे नर्क में फेंक देंगे और आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। उस समय आपके आंख और कान खुल जाएंगे। अभी बड़ा मजा आ रहा है, अभी छत के ऊपर जाने में, लड़कियों को आंख मारने में, लाइन मारने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी लड़की को बुलाकर मिलने में अभी बड़ा मजा आ रहा है। लड़कियों से मिलने जाने में बड़ा मजा आ रहा है। लड़कियों, सुनो, यदि आपको सीरियल देखने की आदत पड़ गई है, तो अभी छोड़ दो, धीरे धीरे करके छोड़ दो। यदि आप अपने निगाहों को, अपने आँखों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर लो। याद रखना, जो आप पाप करते हो, सोचते हो मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, शायद परमेश्वर मुझे माफ कर दिया है, वो छोटी सी प्रार्थना करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, मगर याद रखना, हमारा उद्धार होना बेहद जरूरी है। परमेश्वर गुनाह को तो माफ कर देता है, मगर आप जो बोगे वैसा ही काटोगे, बाइबल बताती है। याद रखना, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। यदि आप ऐसे ही पाप करते करते व्यभिचार करते करते अचानक किसी दिन मर गए, तो आपकी आत्मा सीधा नर्क में जाएगी, बिना उद्धार के मर गए। समय है, लौट आओ। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, भाई पापों से मन फिरा लो यार, वह एक या दो दिन के नहीं डाला जाए, क्यों नहीं समझा रहा भाई?
हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। अरे डरो डरो डरो, उस परमेश्वर से डरो, थरथराओ। यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य तो वह है जो परमेश्वर का निरंतर भय मानता रहता है, डरता रहता है परमेश्वर से, डरता रहता है। मगर आज के समय मरे मसीहों में, अरे डर कहाँ रहे? डर तो अपनी गर्लफ्रेंड से रहे, डर अपनी गर्लफ्रेंड से लग रहा है, अपने बॉयफ्रेंड से लग रहा है कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझे जो छोड़ के चले ना जाए, कहीं मुझसे वो बोलना ना बंद कर दे। जितना आज हमें अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से डर लगता है, उतना आज हमें डर परमेश्वर से नहीं लगता है। वो परमेश्वर जिस परमेश्वर के कार्य से आकाश और पृथ्वी थरथराते हैं, सूर्य चंद्रमा का सब काले पड़ जाते हैं, उस परमेश्वर से आज मस्जिद नहीं डर रही है। डर रहे हैं तो अपने बॉयफ्रेंड से डर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड से डर रहे हैं कि मुझे छोड़ ना दे, छोड़ ना दे। याद रखना, जिस समय रैप्चर हो गया, जिस समय कलीसिया उठा ली गई, उस समय आपको रोना भी नहीं आएगा। रोना याद रख लेना इस बात को, यीशु मसीह अचानक आएगा। पलक मारते ही जिनका उद्धार हो चुका है, पलक मारते ही परमेश्वर उन लोगों को बदल कर उठा लिया जाएगा, उनका शरीर स्वर्गीय देह में हो जाएगा। याद रखना इस बात को, जो आप पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो, परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर बड़े स्वत सिंहासन के सामने, तब लिस्ट खोल के परमेश्वर आपको दिखाएगा। तो आप पर कोई क्षमा नहीं, कोई क्षमा नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उनके कामों के अनुसार उसका न्याय करके परमेश्वर नर्क में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। अपने गुनाहों से तौबा कर लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। यदि आपके जो पाप हैं गुप्त रीति से पाप हैं, तो आइए अभी इसी वक्त परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठ जाइए और बोल दीजिए, परमेश्वर मुझसे हो गया गलती, मुझसे हो गया पाप, आगे को नहीं होगा, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, हमें ज्यादा पाप नहीं करना है, लौट आओ, तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेगा परमेश्वर। अब मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।